दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका। प्रियंका गुप्ता की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप चैनल पर नए हो, अभी तक प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और दोस्तों, आप सब कैसे हो? ठीक हो? ठीक ही होना चाहिए। अपने अपने ज़िंदगी ठीक चले ना तो वो सही रहता है। ठीक हो ना? ठीक हो, कमेंट करके बता दिया करो ठीक हो के नहीं हो। और यहाँ पर सर्दी पड़ने लगी है इसलिए। और देखो, यहाँ पर अब मेरा बच्चा सो रहा है। और चलो फिर आपसे थोड़ी और बात करें। ये है कि क्या है कि आप इंसान सास बहू के झगड़े ये देखना ज़्यादा पसंद करते हैं वीडियो में, और पति पत्नी के आदि कोई बता रहा होगा, बोल रहा होगा तो वो सुनना और देखना आप मतलब सब जितने भी व्यक्ति होते हैं ना। अब आपका नहीं मतलब उदाहरण दे रही हूँ कि वो वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको वीडियो को ज़्यादा वायरल करते हैं, और जो अपना रूटीन सच्चाई का बताए तो वो नहीं ना देखेंगे ना वायरल करेंगे। आजकल आपको सभी को यही पसंद आता है ना, इसलिए तो आप लोग ये सब करते हो ना। या जो ज़्यादा अच्छा पैसे वाला हो तो उसको ऐसा ही है ना, YouTube में तो यही काम हो रहा है ना। अपनी आप मैं भी मेहनत करती हूँ, प्लीज़ वीडियो को देखो, उसको कोनो वीडियो को वायरल करूँ जिससे मुझे भी आप लोगों का प्यार और साथ सपोर्ट मिल जाए। बस आप लोगों से यही बात करती हूँ, डेली रोज कहती हूँ, तो आप भी समझो। क्यों नहीं देखते हो? मैं इसी वीडियो के ज़रिए आपको मैसेज भेजती हूँ कि मेरी भी हेल्प करो और सपोर्ट करो। सब कोई अपनी चीज़ नहीं बता सकता, कोई अपनी हर तरह की सब कुछ होता है, हर तरह की परेशानियाँ होती है, अलग अलग तरह का हर चीज़ होता है। अब किसी के नहीं है तो कहाँ से वो भी ऐसा वीडियो बना के डाले? जो है इंसान के पास वही तो बना के डालेगा। तो बस किसी ने लिख दिया है, सास बहू की आज लड़ाई हो गई है, आज मेरी सास से लड़ाई हुई, तो व्यक्ति उसको देखने, आज मेरे पति से झगड़ा हो गया, आज मैंने बच्चे का ये किया, आज मैंने ऐसा मतलब ऐसा वैसा, तो इतनी जल्दी वीडियो देखेंगे, और जो देखाने का है तो वो देखेंगे नहीं। तो भैया देखो, अच्छा लगता है, अच्छा का सभी को अच्छा लगेगा कि हाँ। और चलो तो भैया, अपनी अपनी बात है। फिर कहने लगते हैं कि आज मैंने पति से झगड़ा करके चार रोटी और एक्स्ट्रा खाई, आज तो पति से झगड़ा कर मैंने भैया आज ही फलानी चीज़ बनाई है। भैया आदमी सभी आदमी का, लेडीज भी, सब बच्चे भी, सभी वही वीडियो वो इतना जल्दी देखेंगे, अच्छा इसको वायरल करो। और जो सही तरीके से बताएगा वो कुछ नहीं देखेंगे, जिसमें सीखने का है तो वो देखेंगे नहीं, और जिसमें सीखने का नहीं है वो देखेंगे। उसको जो सही है ना देखने लायक उसको वायरल नहीं करेंगे, जो सही नहीं है वो देखने को वायरल करेंगे। ऐसे व्यक्ति हैं आजकल। मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अपनी सोच बदलो, सबका साथ दो, सबका विकास होगा। चलो बाय। कोई मैंने कोई किसी का नहीं बोला है, मैंने तो एक उदाहरण दिया था। मैं भी मेहनत कर रही हूँ तो मेरा भी देखो प्लीज। चलो तो फिर यही है, बैठी हूँ आपके, बस अपनी चीज़ का कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों का इंतज़ार करती रहती हूँ। किससे आशा कर लूँ को पता नहीं, ऊपर वाले ही के हाथ में है। हम साइना तो जब करेंगे, कृपा जब ही होना है, उससे पहले कुछ होता भी नहीं है, सब अपनी मेहनत करते हैं। तो ऐसे इस तरह की वीडियो ज़्यादा देखे जाते हैं। मैं किसी का वो कह नहीं रही हूँ, मैं तो ऐसे
बस एक वैसे ही बात कर रही हूँ। देखा करो, दूसरों को भी माँ अच्छा लगेगा। चलो फिर देखो आगे मैंने क्या किया सुबह सुबह, क्या बनाया क्या किया। ठीक है, आँख में आंसू आ जाते हैं कि हमें भी मेहनत करते करते साल डेढ़ साल हो गई है, कुछ नहीं मिल रहा। चलो अपनी अपनी सोच भी है, अपने अपने विचार भी हैं। चलो फिर चले। आशा करी कि इस बार में कुछ नहीं मिलता। दो डिब्बे मिलाई के भर चुके हैं, अब इनको मुझे घी निकालना है। अब मैं घी बना रही हूँ, और घी तो सभी को बनाना आता है। सर्दी पड़ने लगी, अब बच्चा टीवी देख रहा है, हमने कहा चलो सुबह का समय, ये दो डिब्बे भर चुके हैं घी के, फिर मैं लाई के तो घी का फेंट लूँ फिर घी बना लूँ, इससे सही रहता है ना। दिन भर काम में फिर इतना टाइम नहीं लग मिल पाता है। ये मैंने मेरे पास था तो बच्चे को जैसे नहीं निकालती थी, तो इससे मैं ग्राइंडर है तो इससे मिलाई करेंगे आज। ये रखा है, हमने रखा क्या कर रहा है, इसी को निकाल के सीसा बना फेंटेंगे। बस मैं आ गई हूँ, मिलाइयों को मलाई जुड़ जाती है ना, तो ये भी रहता कि अब हमें मलाई करनी है, मलाई बनानी है, घी बनाना है। तो दो डिब्बा दीपावली की वजह से कर नहीं पाया, तो चलो एक और भर जाए, फ्रीजर में रख दो ना तो अच्छी रखी रहती है मलाई वगैरह। बस ये दो निकालनी है, देखो इतना भर गया जी है। इसको क्या करेंगे, इसी में डाल कर फेंटे देंगे। बस ऐसे मैं मक्खन बनाऊंगी होगी बनाऊंगी। देखो मक्खन बना ली, फिर यहाँ पर मेरी मलाई बनाई रही बन चुकी है, और यहाँ पर दूध आ गया था, दूध गर्म करने के लिए रख दिया। अब भाई साहब को, मेरे बेटे को पोहे खाने। मड़ी क्या कर रही हो, सब्जी बना रही है। सब्जी नहीं बनेगी, क्या बनेगा, पोहे। पोहे खाना है, पोहे बनाएंगे, और ब्रेकफास्ट में, लंच में जो भी बनेगा फिर देखेंगे। एक बैगन रखा है, अभी सामान लेने गए हैं, सामान लेकर आएंगे तब देखेंगे उसमें क्या आ रहा है, फिर बनाएंगे। अरे मेरे बेटे ने दो केला एक जुड़े हुए थे ना, वो ही उसी में दे रहे बेटा, हम कटोरे उसको देख बास बेसन में रख रहा है। देखो वो केला निकल के आए और केला चाने जी, खा पहले ये फिनिश करो। जुड़े हुए थे ना, सो एक केला छिलके दे दिया, एक छिलका एक ही साथ में छिले थे तो मैंने एक ढक कर रख दिया। हमने की को अच्छे दो तीन पानी से आपको धो लेना। आज हम इंदौरी बाप वाला पोहा बनाना बता रहे हैं, और इसको धोकर इसमें हल्दी मैंने और नींबू और नमक डालकर उसको मिला लेना है। एक फ्राई पैन में आपको दो चम्मच अच्छे भरकर तेल लेना है, उसको गर्म करना है, और प्याज अदरक सफाई सामग्री का, इसमें प्याज अदरक मिर्च और जीरा हींग राई और सौंफ आलू और कड़ी पत्ता और
हरी प्याज के थोड़े पत्ते और हरी मिर्च डालकर इनको पका लेना है। तब तक ये कढ़ाई में पानी लेना, एक जाली लेना है, आपकी जालीदार छन्नी हो तो वो ले लेना है। फिर उसको पानी डालकर गर्म करना है। पोहे में लाल मिर्च, हल्दी, नमक, नींबू और डालकर इसको आपको बाद में पका लेना है। ये तड़का तैयार है। और इस पोहे में आपको, इसमें मैंने फ्राई मूंगफली डाल दी है पहले, फिर ये तड़का है तो इसी में आपको डाल देना। ये तड़का बनकर तैयार है। तो इस तड़का डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें मैंने चाट मसाला, गरम मसाला, हरी प्याज, हरी मिर्च ऊपर से डाली हैं और इसको भी मिक्स कर देना। पर कढ़ाई में पानी गर्म हो गया था, इसको इस तरह से बाफ करने के लिए रख देना है। और इसमें थोड़ी हल्दी कम लगेगी, ये वे लोग कलर डालते हैं इंदौर वाले पोहे में। और इसको ढककर बाफ में पका लेना है 5 मिनट तक। ये पोहा बनकर तैयार है। इस तरह से बाफ लेना है। इंदौरी पोहा बनकर तैयार है। और इसमें आपको चीनी डाल देना है। जब आप बफिया होगी ना, तो थोड़ी या चाशनी या चीनी डाल देना है। इससे आपके बाबर इंदौरी पोहा बनकर तैयार है। हम चीनी खाते नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला, इसलिए नहीं बताया, इसलिए हमने बोल दिया है। फिर इसमें हरा धनिया मिला देना। ये इंदौरी पोहा बनकर तैयार है। हरी प्याज के पत्ते, धनिया, लाल मिर्च, नींबू से मैंने सर्व किया है। और देखो, देखने में कितना सुंदर लग रहा है और खाने बड़ा टेस्टी लगा है। और आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए ब्रेकफास्ट इंदौरी भावारा। मीठा, मैंने तो मीठा नहीं बनाया, तीखा पोहा। आप थोड़ी चीनी या चाशनी डाल सकते हो, उसमें मीठा हो जाएगा। चलो, ये बनकर तैयार है। अब नींबू डाल के खाएंगे और ऊपर से उसमें डाला है और डालेंगे। मैं देख कर आती हूँ। यहाँ पर मैं देख कर आ गई हूँ और ये सब्जी आई हुई है नई नई। और ये अगले वीडियो में बताएंगे क्या आया है। और सामान भी आया है, सब्जी वगैरह भी आए हैं, ब्रेड भी आया है। चलो आज का वीडियो यहीं तक का था। अगले वीडियो में फिर जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो प्रियंका गुप्ता की चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आ गया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का वीडियो यहीं तक का था। बाय बाय।